ने अर्पिता के साथ मूवी और डिनर का प्लान किया था। वहीं रेस्टोरेंट में जब गौरव वॉशरूम गया तब अर्पिता ने गौरव के फोन पर किसी कुकू नाम के इंसान का मैसेज देखा। मैसेज में लिखा था, सॉरी यार, लास्ट मोमेंट पर मूवी और डिनर का प्लान कैंसिल करना पड़ा, कोई जरूरी काम आ गया था, फिर से प्लान करते हैं एक दिन, एंड आई एम रियली सॉरी डार्लिंग। मैसेज पढ़कर अर्पिता का सिर चकरा गया और वो गुस्से में गौरव को बिना बताए वहां से बाहर निकल गई। गौरव जब वापस टेबल पर लौटा तो अर्पिता वहां नहीं थी। गौरव ने सोचा शायद वॉशरूम में होगी, इसलिए उसका इंतजार करने लगा। लेकिन जब अर्पिता कुछ देर बाद भी नहीं लौटी तो उसने अर्पिता के फोन पर कॉल लगाया। अर्पिता ने कॉल का जवाब नहीं दिया। गौरव ने फिर से फोन मिलाया पर इस बार भी घंटी जाकर फोन बंद हो गया। गौरव ने रेस्टोरेंट में इधर उधर देखा लेकिन अर्पिता कहीं भी नहीं दिखी। फिर गौरव ने वहीं एक वेटर से पूछा, एक्सक्यूज मी, मेरे साथ जो लेडी बैठी थी उन्हें आपने जाते हुए देखा क्या? हाँ सर, मैडम को गए हुए तो काफी देर हो गई है, वेटर ने जवाब दिया। गौरव ने वेटर को थैंक यू बोला और फटाफट वहां से बाहर निकल गया। अजीब है, बिना बताए कहाँ चली गई, गौरव बड़बड़ाया। गौरव अर्पिता को ढूंढते हुए पार्किंग एरिया में अपनी कार के पास पहुंच गया। उसने अर्पिता को एक बार फिर से फोन मिलाया तो उसे वही अर्पिता के फोन की रिंगटोन सुनाई दी। आवाज कहीं पीछे से आ रही थी। गौरव ने पीछे जाकर देखा तो वहीं एक बेंच पर अर्पिता बैठी थी। गौरव ने चैन की सांस तो ली पर उसे अर्पिता पर बहुत जोर से गुस्सा भी आया। वो अर्पिता के पास गया और जैसे ही कुछ बोलने वाला था तो उसने देखा कि अर्पिता रो रही थी। अर्पिता, अर्पिता क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, गौरव ने घबराते हुए पूछा। शादी से लेकर अब तक गौरव ने अर्पिता को हंसते या झगड़ते हुए देखा था लेकिन आज पहली बार वो उसे रोता देख घबरा गया। जब अर्पिता ने गौरव के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया तो गौरव फिर बोला, किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या, तबीयत खराब है तुम्हारी। इस बार भी अर्पिता ने कोई जवाब नहीं दिया और वो रोती रही। गौरव ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली पर उसमें पानी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, दो मिनट रुको, बस यहीं रहना, हाँ बस दो मिनट में आया, ऐसा कहकर गौरव पानी लेने चला गया। साला गिरगिट की औलाद, सामने से ऐसे कर रहा है जैसे जमाने भर का चिंता इसी को है हमारा, और पीछे से उस कुकु मुक्कु के साथ आए हुकु खेल रहा है। ऐसा धोखेबाज पति हमारे पल्ले क्यों बांधना था। बाबा जी, हम तो खुद को जब वे मैट की करीना कपूर समझ रहे थे, आपने तो मेरी हालत क्वीन की कंगना रनौत जैसी कर दी। इस आदमी से शादी करके हमारी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई। गौरव के जाते ही अर्पिता ने खुद से बोला और जब गौरव पानी लेकर वापस आया तो अर्पिता अपना सिर पकड़कर बैठ गई। ये लो थोड़ा पानी पी लो, सिर दर्द हो रहा है क्या, चलो घर चलते हैं, गौरव ने अर्पिता को पानी की बोतल पकड़ाते हुए कहा। पानी, रो रो कर गला सूख गया था। अर्पिता ने पानी की पहली घूंट गले में जाते ही सोचा और फिर एक ही बार में पानी की आधी बोतल खत्म कर दी। अब चले, गौरव ने अर्पिता से पूछा। अर्पिता ने गर्दन हाँ में हिलाकर जवाब दिया और खड़ी होने लगी। गौरव ने उसका हाथ पकड़ा और खड़े होने में मदद करने लगा। अर्पिता ने मन में सोचा, जब हमने हाथ पकड़ा था उस वक्त तो बड़ा झटका लगा था इसे, हाथ छुड़ा लिया था, अब काहे हाथ पकड़ रहा है हमारा। गौरव ने अर्पिता को कार में बिठाया और फिर खुद भी ड्राइवर सीट पर बैठ गया। रास्ते भर अर्पिता ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर देखती रही। बीच बीच में कभी उसकी आंखों से एक दो आंसू छलक जाते तो वो झट से उन्हें पोंछ लेती। ये अर्पिता का गुस्सा था जो शब्दों में नहीं आंसुओं की शक्ल में बाहर निकल रहा था। गौरव ये सब देख रहा था पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अर्पिता से पूछे कि क्या हुआ है।
जब वो घर पहुंचे तो अर्पिता सीधे बेडरूम में चली गई। गौरव को बहुत बुरा लग रहा था कि वो अर्पिता की कोई मदद नहीं कर पा रहा था। वो फोन पर लड़कियों को खुश करने के ऑप्शंस ढूंढने लगा। एक नंबर का मक्कार है ये आदमी। गर्लफ्रेंड ने आने से मना कर दिया तो बीवी को बुला लिया। हम क्या गाड़ी का स्टेप नहीं है जो एक पहिया नहीं चला तो कुछ देर के लिए लगा लिया और फिर टाटा बाय बाय। साला पता नहीं किसने इंजीनियरिंग का डिग्री लिया या धोखाधड़ी का। और इसकी उस कुकू को पता भी है कि ये शादीशुदा है या उसको भी धोखा ही दे रहा है ये। और अब देखो चिंता विंता सब खत्म। लग गए फोन पर फिर से। बाबा जी हमने सावन का 16 सोमवार नहीं किया तो ऐसे बदला लोगे आप हमसे। अर्पिता मन ही मन बड़बड़ा रही थी। गौरव ने जैसे ही ऊपर देखा तो अर्पिता उसे ही देख रही थी। उसने फोन साइड में रखा और बोला, तुमने रेस्टोरेंट में ठीक से खाना खा लिया था ना, कुछ खाओगी, चाइनीज या इटालियन? अर्पिता ने नहीं में गर्दन हिलाई। अच्छा फिर मैगी बनाऊं, गौरव ने एक्साइटेड होकर बोला। अर्पिता ने फिर मना कर दिया। ठीक है आइसक्रीम मंगा लेता हूँ, कौन सा फ्लेवर लोगी? चॉकलेट, वही पसंद है ना तुम्हें? गौरव ने एक बार फिर कोशिश की। नहीं, अर्पिता ने बोला। तो गौरव ने गहरी सांस ली और उठने लगा। बटरस्कॉच फ्लेवर मंगवा लो, अर्पिता ने कहा। गौरव मुस्कुराया और बोला, ठीक है बस अभी ऑर्डर कर देता हूँ, चॉकलेट फ्लेवर भी मंगवा लो, अर्पिता ने जल्दी से कहा। जो आज्ञा महारानी, गौरव ने सिर झुकाते हुए कहा। और बदले में अर्पिता ने बस एक झूठी मुस्कान दी। और नहीं तो क्या, ये लड़ाई के चक्कर में हम अपना नुकसान काहे करें? ये जो रो रो कर 2 किलो खून जलाया है उसकी भरपाई भी तो करनी पड़ेगी ना, अर्पिता ने मन में सोचा। अगली सुबह जब गौरव सोकर उठता है तो अर्पिता बिस्तर पर नहीं होती है। गौरव सोचता है कि रोज लेट उठने वाली आज इतना जल्दी कैसे उठ गई। वो उठकर बाहर जाता है और आवाज लगाता है, अर्पिता अर्पिता यहाँ रसोई में हूँ। अर्पिता की आवाज आती है। गौरव आवाज सुनकर रसोई में चला जाता है। अर्पिता चाय बना रही होती है। हटो आज मैं बनाता हूँ चाय, एकदम बनारसी स्टाइल में, गौरव अर्पिता को साइड में करते हुए बोलता है। आता है तुमको बनाना, पहले बनाए हो कभी? चाय बनाओगे या हमको बना रहे हो? अर्पिता ने मजाक करते हुए बोला। गौरव ने जवाब दिया, हॉस्टल में बनाता था, वहाँ दोस्तों को मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद थी, और कुछ तो बनाना आता नहीं था पर चाय का जरूर मास्टर शेफ हूँ। अर्पिता सुनकर मुस्कुराई और सोचने लगी, आज पहली बार अपने बारे में कुछ बता रहा, शायद धीरे धीरे सब सही हो जाता हमारे बीच, पर पता नहीं ये कुक्कू कांड काहे हो गया बीच में। का बात है, चाय तो बहुत ही बढ़िया बनी है, अर्पिता चाय की चुस्की लेते हुए बोलती है। गौरव ने अपने चाय के कप को हवा में उठाते हुए बोला, थैंक यू। अच्छा अर्पिता अब तुम ठीक हो? कल रात को क्या हुआ था? गौरव ने अपना कप नीचे रखते हुए बोला। अर्पिता चाय पीते पीते रुक गई पर कोई जवाब नहीं दिया। गौरव उठते हुए बोलता है, मतलब अभी बताना जरूरी नहीं है, तुम्हारा जब मन करे तब बता देना। वो ना कल जब तुम अपने पैंट पर से जूस साफ करने गए थे तब मेरी माँ का फोन आ गया था, उन्होंने बताया कि गोपी भगवान को प्यारी हो गई, बस वो सुनते ही ना मेरा मन खराब हो गया, अर्पिता कहानी बनाते हुए बोलती है। I'm sorry, मैं गोपी से मिला नहीं कभी, कोई बहुत खास ही होगी जो तुम इतना दुखी हो रही हो, अपनी शादी में नहीं आई थी क्या वो? गौरव ने सांत्वना दी। हाँ बिल्कुल खास, हमारे घर में ही तो रहती थी, बिल्कुल मेरी बहन जैसी थी, उसका और हमारा बचपन एक साथ में बीता था, बनारस के घाट पर हम दोनों साथ में जाया करते थे, पता है माँ तो मुझसे ज्यादा उससे प्यार करती थी, और गोपी भी दिन भर माँ माँ करती रहती थी, अर्पिता इमोशनल होते हुए बोलती है। ये सब सुनकर गौरव की उत्सुकता बढ़ गई, वो बोला,
उससे मिल तो नहीं पाया कभी, पर क्या उसकी फोटो देख सकता हूँ? हाँ अभी लो। अर्पिता ने फोन की स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए बोला और फिर एक फोटो निकालकर फोन गौरव के सामने रख दिया। फोटो देखने के लिए गौरव एक्साइटमेंट में आगे बढ़ा, पर फोटो देखकर ऐसी शक्ल बनाई जैसे एग्जाम पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देख लिया हो। गोपी तुम्हारी गाय थी? गौरव धीमे से बोला। हाँ तुमको क्या लगा? बोले तो थे हम कि गोपी दिन भर करती रहती थी। अर्पिता गौरव के मजे लेते हुए कहती है। नहीं नहीं कुछ नहीं लगा मुझे, और वैसे भी दिन भर माँ माँ तो गाय ही करेगी। गौरव खुद पर हंसते हुए बोलता है। गौरव मन में सोचता है, पागल लड़की, गाय के लिए इतना दुखी थी, चाहे मुझसे कितनी ही लड़ाई कर ले पर दिल से मासूम है ये। दूसरी तरफ अर्पिता सोच रही थी, सॉरी गोपी तुझे एक बार फिर से मरना पड़ा। मुझे पता है कि वहां ऊपर बैठे बैठे तेरा मन मुझे सींग मारने को कर रहा होगा, पर इस झूठे आदमी के सामने झूठ बोलने में क्या हर्ज है? ये कहानी नहीं सुनाती तो बार बार पूछकर परेशान करता रहता, पर मैं इसे ना रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ, और मैं पकड़ कर रहूंगी। अर्पिता इमोशनल है पर इमोशनल फूल नहीं है। अर्पिता सुनो, मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूँ, लेकिन आगे से ये फोन नहीं उठाने वाली हरकत मत दोहराना। तुम यहाँ हो तो मेरी जिम्मेदारी हो, गौरव बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है। अर्पिता कुछ बोल नहीं पाती, बस हाँ में गर्दन हिलाकर मुस्कुरा देती है। और हाँ एक बात और जो कल नहीं बता पाया, आज रात को कानपुर से चाचा चाची और उनकी बेटी पिंकी आ रहे हैं। वो पिंकी का कल दिल्ली में कोई एंट्रेंस एग्जाम है, तो आज रात वो लोग यहाँ रुककर कल शाम को चले जाएंगे। अच्छा है कल संडे है, हम दोनों टाइम दे पाएंगे उनको। और प्लीज तुम आज थोड़ा जल्दी फ्री हो जाना ऑफिस से, ताकि हम टाइम पर घर पहुंचकर थोड़ी तैयारी कर सके। गौरव ने अर्पिता पर बम फोड़ा। तुम खुश काहे हो रहे हो? अरे उनके सामने अच्छे पति पत्नी का नाटक करना पड़ेगा, अर्पिता ने कहा। गौरव इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाया, वो बस अर्पिता को देखता रहा। रेडियो मस्ती के रिकॉर्डिंग रूम में ऋत्विक अर्पिता को पहला कॉल लेने के लिए बोलता है। Share your secrets with Koyal Malhotra. हेलो दोस्तों, मैं हूँ कोयल मल्होत्रा और आप सुन रहे हैं कोयल मल्होत्रा PhD स्पेशलिस्ट। कोयल दीदी, मैं आर्यन बोल रहा हूँ, मैं 12 इयर्स का हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मुझे सड़क पर एक पपी मिल गया था, उसे चोट लगी थी इसलिए मैं उसे घर ले आया, पर मेरे पापा घर पर पेट रखने के अगेंस्ट हैं, इसलिए मैंने उस पपी को घर में छिपा दिया। आप प्लीज मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं अपने पापा को वो पपी रखने के लिए मना सकूं। कॉल के दूसरी तरफ से एक बच्चे की आवाज आई। हेलो आर्यन, सबसे पहले तो तुम बहुत ही स्वीट हो यार, मुझे ये बताओ कि तुम्हें घर में किस बात के लिए सबसे ज्यादा डांट पड़ती है, अर्पिता ने पूछा। आर्यन बोला, वैसे तो कई बातों पर पड़ती है, पर मैं मोबाइल और लैपटॉप पर गेम बहुत ज्यादा खेलता हूँ, इसके लिए सबसे ज्यादा डांट खाता हूँ। अर्पिता फिर से एक सवाल पूछती है, और तुम्हारे मम्मी पापा को तुमसे कोई काम करवाना हो तो वो क्या करते हैं? वो ना पहले प्यार से बोलते हैं, मैं नहीं मानता तो डांट देते हैं, और फिर भी नहीं मानता तो वो दोनों बॉक्सर बन जाते हैं और मैं पंचिंग बैग। वैसे कभी कभी उनका मूड अच्छा होता है या उन्हें बहुत जरूरत होती है तो वो मुझे रिश्वत भी देते हैं, जैसे उन्हें कहीं बाहर जाना है और मेरा होमवर्क फिनिश नहीं हुआ है तो वो होमवर्क जल्दी फिनिश करने के लिए मुझे ना कभी टॉय तो कभी चॉकलेट की रिश्वत देते हैं। आर्यन भोली सी आवाज में बोला। अर्पिता जोर से हंसती और कहती है, आर्यन तुम्हें अगर पपी अपने पास रखना है ना तो जैसे तुम्हारे पापा मम्मी कभी कभी तुमसे काम करवाने के लिए जो करते हैं तुम्हें भी वही करना है। और बॉक्सिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे दूसरे वाले तरीके की बात कर रही हूँ। अब तुम्हें अपने पापा को रिश्वत देनी पड़ेगी, उनसे बोलना कि अगर आप मुझे पपी रखने दोगे तो मैं रोज सिर्फ आधे घंटे के लिए मोबाइल पर गेम खेलूंगा,
आई नो थोड़ा टफ है ये, लेकिन पपी सच में चाहिए तो इतना सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। अपने पापा को समझाना कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है इसलिए तो मोबाइल पर गेम खेलता रहता हूँ। अगर पपी होगा तो उसके साथ खेलूंगा, अपने लैपटॉप पर गेम खेलना अपने आप ही कम हो जाएगा। उसके साथ में मैं आउटडोर एक्टिविटी भी करूंगा तो हेल्दी भी रहूंगा, एंड आई प्रॉमिस कि पपी का ध्यान भी रखूंगा। सब कहते हैं कि पेट्स के साथ मूड अच्छा रहता है, तो सोचो मम्मी का मूड भी अच्छा रहेगा तो आपकी लड़ाई भी नहीं होगी। आर्यन बोलता है, वाओ कोयल दीदी, व्हाट एन अमेजिंग आइडिया, इससे तो पापा जरूर मान जाएंगे। हाँ, लेकिन पापा मान जाएं उसके बाद तुम अपना प्रॉमिस मत तोड़ देना, वरना पापा भी ना अपना प्रॉमिस भूल जाएंगे। ओके ओके, आई प्रॉमिस एंड थैंक यू दीदी, बाय। कॉल खत्म होता है और अर्पिता और सोनिया अगले कॉल का इंतजार कर रहे होते हैं। आप ना इस साड़ी और बिंदी में बहुत सुंदर लगती हैं, अर्पिता सोनिया से कहती है। थैंक यू, सोनिया मुस्कुराते हुए जवाब देती है। हमारी दादी भी बिल्कुल आपके जैसे ही कॉटन की साड़ी पहनती है और बड़ी सी बिंदी लगाती है, इसलिए आपको देखकर ना हमें उनकी याद आ जाती है, अर्पिता ने ख्यालों में खोते हुए कहा। एक्सक्यूज मी, मैं केवल 43 की हूँ, सोनिया ने ऑफेंड होते हुए कहा। अरे मेरा मतलब वो नहीं था, मैं कहना चाह रही थी कि सेम गेटअप की वजह से ना आप सेम लगते हो, बाकी कोई सिमिलैरिटी नहीं है, अर्पिता ने सफाई देते हुए कहा। ओके सोनिया ने नकली हंसी के साथ कहा। पता है हमारी दादी ना बहुत मजेदार है, इतनी गालियां देती हैं कि सामने वाले की आंख फटी की फटी रह जाए। हमारी माँ ने ना एक बार मजाक में 1 अप्रैल के दिन हमारी दादी को गुलाब जामुन में नमक डालकर खिला दिया था। हमारी दादी ने उनका ऐसा जीना हराम किया कि माँ ने कसम खा ली कि नमक को जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाएंगी। तब से रोज खाने में ना हमारे पापा ही नमक डाल रहे हैं, और ये बात तो पूछो ही मत, जब वो पदयाती है ना तो आगे पीछे जगह लोग कुछ नहीं देखती है, उल्टा कोई घूरता है ना तो उसको कहती है पेट साफ हो रहा है। बड़ी ही गजब की है हमारी दादी। अर्पिता ने अपनी दादी की तारीफ ऐसे की जैसे उसे उन पर घमंड हो। सोनिया अर्पिता को कंफ्यूज्ड लुक्स देती है, उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी दादी की तारीफ कर रही थी या बुराई। तभी दूसरा कॉलर फोन करता है। इस कॉलर को जवाब सोनिया देती है। Share your secrets with Koyal Malhotra. कोयल जी, मैं कोई गरीब आदमी नहीं हूँ, बल्कि गोंडा में जाने माने रईसों में मेरा नाम आता है। लेकिन एक राज है जो कोई नहीं जानता। दरअसल मुझे मंदिर से चप्पलें चुराने की आदत है। मैं ना चाहते हुए भी अपने कदम मंदिर के बाहर रखी चप्पलों में डालने से नहीं रोक पाता। ना जाने आज तक मैंने मंदिर से कितनी ही चप्पलें चुराई होंगी। मुझे डर लगता है कि अगर इस राज का पता गांव वालों को लग गया तो मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा। अब आप ही कोई उपाय बताएं जिससे मेरी ये चोरी की आदत छूट जाए। सोनिया इस अटपटी प्रॉब्लम को कैसे सुलझाएगी, जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ ओनली ऑन पॉकेट एफ।